ताकत के एमसीडी वाले भी कागज देखने को राजी नहीं है। पुलिस ऑफिसर एक आया मिस्टर सत्येंद्र कुमार, वो कहता हटाओ 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 यार। देखिए सबके पास वेंडिंग सर्टिफिकेट है, उसके बाद भी यहाँ पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, नगर निगम गुंडागर्दी कर रही है। अच्छा, साइकिल वाले को फेंक दिया इसका सामान, एमसीडी वालों ने लेके गया, फिर रमेश कुमार लस्सी वाले का लेके गया उठा के, कहाँ से लाएंगे? गरीब 100 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं, दो दो तीन तीन हजार रुपए एमसीडी वाले लेके। ये कागज सबसे बड़ा हथियार है आपके लिए, आपकी दुकानदारी के लिए, क्योंकि जो कानून बना है हमारा उसमें सबका सर्वे होना है, सबको सर्टिफिकेट मिलना है, और ये सर्टिफिकेट ही आपका सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है। अगर इसको कोई नहीं मानता तो वो सरासर वो कानून का अवहेलना कर रहा है, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 हो, चाहे दिल्ली की स्कीम 2019 है उसकी। साथियों जिंदाबाद, मैं मोहित पलेचा नेशनल हॉकर फेडरेशन से, आज हमारी टीम मौजूद है ग्रेटर कैलाश में, एम ब्लॉक मार्केट है ये, यहाँ पर नगर निगम जो है वो अपनी गाड़ी लेके आई हुई है रेड करने के लिए, और हमने जिस तरीके से देखा इनकी गाड़ी पूरी भर के आई है पीछे से, और सबका माल उठा रहे हैं ये लोग। तो अभी देखते हैं, हमारे यहाँ सभी मेंबर्स हैं तो उनका हम थी, और एमसीडी जो है जैसे ही देखा कि हमारी टीम यहाँ मौजूद है, उसके बाद सभी कानून फॉलो करने लगी, जो कि वो नहीं करती है, सिर्फ गुंडागर्दी के अलावा और कुछ नहीं करती है, और साथ में पुलिस को भी अपनी प्रोटेक्शन में लेके आती है और सबका माल उठा उठा के जब्त करती है। यहाँ पे कुछ दिन पहले रेड की गई थी और इनका माल उठाया था, तब से लेके पुलिस बैठने नहीं दे रही है। काफ़ी स्ट्रीट वेंडर्स है जो यहाँ पे 10-12 दिन से बैठ नहीं पा रहे हैं, तो आज उन सब ने लगा रखी थी, और एमसीडी सिर्फ उनके कागज़ देख के और ये बोल के कि 6x4 में जो लगाया है उनको हम नहीं छेड़ेंगे, और वो लोग चले गए। तो बात करते हैं बाकी स्ट्रीट वेंडर्स से भी। आपका हाँ, तो कहाँ लगती है भाई साहब आपकी? सामने क्या क्या करते हैं आप? पंचर रिपेयर, साइकिल रिपेयर वगैरह। तो आप कब से अटे हुए हैं यहाँ पे? हो गया 18-20 दिन। 18-20 दिन तो एमसीडी ने रेड की थी, यही बताया ना कि एमसीडी ने रेड की थी और उसके बाद से पुलिस बैठने नहीं दे रही है। तो आज आपने देखा कि यहाँ पे जब एमसीडी आई है और हमारे हम लोग यहाँ मौजूद है, मैं उपेंद्र भाई, तो उनका रवैया किस तरीके का था ये आपने देखा होगा, क्योंकि जो जानकारी की कमी है आप लोगों की, इसका ये लोग फायदा उठाते हैं और हमेशा आपको जो है दबाने की कोशिश करते हैं। आप चाहे जितने मर्जी कागज दिखा दो, लेकिन आपको भी ये देखना पड़ेगा कि जो सामने वाला है वो डरता किससे है। ठीक है, आपको अपने कागज दिखाने हैं, वीडियो बनानी है और उनसे सवाल करना है। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक वो अपनी गुंडागर्दी करते रहेंगे। तो आज कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे कि एमसीडी आई और उसके बाद भी आपकी दुकान लगी रही, बताइए? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और कौन वेंडर है यहाँ पे? आओ मेरे भाई, आओ। क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश भाई, तो आप बताइए क्या हुआ आज यहाँ पे जब एमसीडी आई? तो आज एमसीडी आई तो आपने हेल्प किया और कागज बताने में आपने बताया इसका क्या ये वैल्यू है। हम लोगों ने कागज दिखाया तो फिर उन्होंने नहीं छेड़ा। तो आपका सर्वे हो गया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन आपको उसकी वैल्यू ही नहीं पता थी कि इस सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है, पता नहीं है ना, क्योंकि ना तो पुलिस उसको मानती है ना नगर निगम उसको मानती है, तो आपने भी मानना छोड़ दिया था। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। तो ये कागज सबसे बड़ा हथियार है आपके लिए, आपकी दुकानदारी के लिए, क्योंकि जो कानून बना है हमारा उसमें सबका सर्वे होना है, सबको सर्टिफिकेट मिलना है, और ये सर्टिफिकेट ही आपका सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है। अगर इसको कोई नहीं मानता तो वो सरासर वो कानून का अवहेलना कर रहा है, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 हो, चाहे दिल्ली की स्कीम 2019 है उसकी अवहेलना करता है। आप बस ये ध्यान रखिए, देखिए हमारी टीम हमेशा तो यहाँ मौजूद नहीं रह सकती है ना, तो आपको कभी भी अगर इस तरीके की रेड करते हैं, ये चोरी छुपे कभी भी आते हैं, तो आपने इनसे सवाल करना है, अपने डॉक्यूमेंट इनके हाथ में थमाने और वीडियो बनानी है। क्या करेंगे आप ये लोग? बिल्कुल करेंगे। करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमारा नाम सरिता है। सरिता जी, कब से लगा रहे हैं यहाँ पे दुकान आप? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। तो क्या कल धमकी देके गए थे एमसीडी के लोग यहाँ पे? क्या बोल गए थे? अच्छा, और आपने हटाया नहीं? तो आज आपने देखा ना कि आपका जो कानून है, आपके पास जो सर्टिफिकेट है, उसकी कितनी बड़ी ताकत है कि वो उल्टे पैर वापस चले गए नगर निगम के लोग। देखा ना आज आपने अपनी आंखों से? ताकत के एमसीडी वाले भी कागज देखने को राजी नहीं है। पुलिस ऑफिसर एक आया मिस्टर सत्येंद्र कुमार, वो कहता हटाओ 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 यार, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर से ऑर्डर कहाँ से है? ऊपर का आसमान से ऑर्डर आता है। ऊपर का ऑर्डर, ज्यादा बात कर रहा है, हटा यहाँ से।
पवित्र पान वाले को हटा दिया धमकी से। अच्छा। साइकिल वाले को फेंक दिया इसका सामान, एमसीडी वालों ने लेके गया, फिर रमेश कुमार लस्सी वाले का लेके गया उठा के। कहा से लाएंगे, गरीब 100 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं, दो दो तीन तीन 1000 रुपए एमसीडी वाले लेके। सबके पास है, देखिए सबके पास वेंडिंग सर्टिफिकेट है, उसके बाद भी यहाँ पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, नगर निगम गुंडागर्दी कर रही है, इनके किसी कागज को नहीं मान रही है। तो आप आगे से आपने ये करना है कि जो भी अधिकारी यहाँ पे ग्राउंड पे आके कैसी भी हरकत करेगा उसके खिलाफ हम लोग शिकायत करेंगे और सीधा सीधा उसके खिलाफ FIR कराने की हम मांग करेंगे। ऊपर से ऑर्डर है, कागज, ठीक है ना, जो भी अधिकारी आता है चाहे वो सिंगल स्टार हो, डबल स्टार हो, चाहे वो इंस्पेक्टर क्यों ना हो, ठीक है ना। ठीक है। पटरी वालों के लिए अगर लड़ने वाला कोई संगठन है तो वो नेशनल हॉकर फेडरेशन ही है, जो जमीन पे आके सभी वेंडर्स की लड़ाई लड़ रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई और संगठन इतनी ताकत रखता है जो जमीनी लड़ाई लड़ सके, सिर्फ कागजों में ही सारे संगठन रह जाते हैं। आप पूरी दिल्ली में घूम के देख लीजिए, हर बाजार में अगर लड़ाई कोई कर रहा है, अगर एकमात्र जिनकी समस्या का अगर एकमात्र कोई समाधान है तो वो नेशनल हॉकर फेडरेशन है। लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है। तो